नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए नए विषयों के साथ आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। प्रतिदिन नई नई वीडियो के साथ हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आज हम आप सभी के लिए 2019 का एक राशिफल लेकर के आए हैं। 2019 आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी राशियों के लिए कैसा रहेगा, पूरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, जिनका हमने काफ़ी गुरु भगवंतों के पास जा कर के रिसर्च किया है, बहुत सारा अभ्यास किया है, और ये अभ्यास आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ को लाए, सारे कष्टों को दूर करे, बहुत सारा ये पूरे 2019 के साल में उतार चढ़ाव होने वाला है। तो सबसे पहले गुरु गौतम स्वामी जी भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा को नमन करते हुए उनके मंत्र के साथ 2019 का हम राशि भविष्य का प्रारंभ कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंख बंद करते हुए गौतम स्वामी जी भगवान का हम स्मरण करेंगे। जो जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उन सभी का 2019 का साल परम मंगलकारी हो। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। गौतम स्वामी जी भगवान को नमन करते हुए हर मनोकामना 2019 के अंदर पूरी हो, ऐसी हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। 2019 का साल जो है वो पूरा ग्रहण के साथ, जनवरी महीने में ही दो ग्रहण हैं और पूरे साल में पाँच ग्रहण हैं, तो ये ग्रहण के साथ पूरा साल जाएगा। प्रजा और राजा के बीच में शनि केतु के युति, सूर्य शनि का साथ में आना, ये सारी जो ग्रहण का साथ साथ में सारा जो परिवर्तन है, जिसके कारण राजा और प्रजा के अंदर तनाव बढ़ने की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर में देखा जाए तो धनु राशि के अंदर शनि केतु की जो युति है, जिसके कारण भीषण आग लगना, प्राकृतिक आपदा आना, बहुत सारा उतार चढ़ाव होना, ये भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि की जो साढ़े साती की बात करें तो वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि की जितने भी जातक है उनको थोड़ा सा उनके प्रभाव में दिख सकता है। साथ में ढैया की बात करें तो वृषभ राशि और कन्या राशि वाले जितने भी जातक है उनको भी थोड़ा सा इनका प्रभाव दिखने को मिल सकता है। ग्रहों के जो परिवर्तन की बात करें तो राहु और केतु जो है मार्च महीने में परिवर्तन करेंगे, गुरु जो है वो नवंबर महीने में परिवर्तन करेंगे राशि परिवर्तन, और शनि का कोई विशेष राशि परिवर्तन नहीं है। तो इसी के साथ ये पूरी वीडियो आपके जीवन के अंदर पूरी प्रसन्नता, आरोग्य, करियर के क्षेत्र, ये पूरे जो हमने विश्लेषण किया है वो आपकी लग्न राशि के हिसाब से किया है। जो भी दर्शक नए जुड़े हैं तो लग्न राशि के हिसाब से आप इस वीडियो को देखने का कोशिश करें, और इनके साथ आइए अब देखते हैं आपकी राशि का राशिफल। आइए अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। 2019 के अंदर कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी लोगों की ग्रह सितारे क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से उनको सावधानी रखनी है, बहुत ही बेहतरीन अच्छा साल 2019 आपके लिए आने वाला है। जिनके अंदर व्यापार में जबरदस्त प्रगति होगी, व्यक्तित्व निखरेगा, लोग आपकी कदर करेंगे, लोग आपको सम्मान करेंगे, लोग आपकी सलाह मानेंगे, कर्ज भी कम होगा, इनकम भी बढ़ेगी और समाज के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे। जो भी आपने मन के अंदर संकल्प बनाए रखे कि मुझे ये कार्य करना है, वो सारी चीज़ें करने के लिए सुवर्ण अवसर आप सभी के लिए 2019 का साल है। क्योंकि दूसरे से दुख के अंदर आपकी जो भावना है, सभी को सपोर्ट करना, वो सारी मनोकामना आप 2019 के अंदर परिपूर्ण करेंगे। प्रमोशन बढ़ेगा, पदोन्नति होगी, समाज के अंदर नाम होगा, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर आपको जबरदस्त सम्मान मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी के अंदर आपको लाभ हो सकता है, आपका बॉस प्रसन्न हो सकता है, धन भी टिकेगा, सेविंग भी अच्छी होगी, कर्ज भी कम होगा। लेकिन एक ही छोटी सी बात है, आपके छोटे छोटे जो शत्रु है उनसे आपको सावधानी रखनी है। वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, वो आपको नुकसान दे सकते हैं, वो आपको कार्य में थोड़ी सी बाधा डाल सकती है। तो इसके लिए ये 2019 का करियर के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत ही बेहतरीन साल माना गया है। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है प्रेम संबंध, उसकी हम बात कर रहे हैं तो प्रेम संबंध के लिए 2019 का साल बाधा का योग बन रहा है। जिनकी भी शादी होने वाली है उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, जिनकी शादी हो गई है उनके अंदर भी मन मुटाव बढ़ सकता है, विचारों के भेद बढ़ सकते हैं, मैरिज लाइफ के अंदर तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। तो कुंडली का विश्लेषण कराइए, साथ साथ में प्रेम संबंध में आपको लग रहा है बस अभी हमारी शादी होने की तैयारी है, लेकिन वो प्रेम संबंध के अंदर भी रुकावट आ सकती है। साथ साथ में देखा जाए तो मन बहुत अशांत रहेगा, आपके आपके जीवन साथी के साथ विचारों के जो मतभेद रहेंगे, मन रुकावट रहेगी, उसके कारण मन मुटाव बहुत रहेगा और उसका सीधा असर आपकी बॉडी के ऊपर हो सकता है। तो प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो ये साल आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी आप ध्यान रख करके संभलता के साथ अपनों के साथ समय बिता करके ये समय आप पास करें। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी के लिए शिक्षा के लिए बहुत बेहतरीन ये साल है। मंगल, शुक्र का जो परिवर्तन है, उनकी जो युति है वो आपको बेहद ऊंची
पद को दिला सकता है, जो आपकी पढ़ाई है पूर्णता के ऊपर और बहुत अच्छे मार्क आपको दे, विदेश जाने की जिनकी भी भावना है पढ़ाई के लिए, आपके लिए बेहद ज़बरदस्त अच्छा समय चल रहा है। तो अच्छा अभ्यास, बहुत अच्छा रिजल्ट, मेहनत से कहीं ज़्यादा आपको फल देने के लिए यह साल पूरी तरह से तैयार है। पढ़ाई के हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन साल है, तो मन लगा करके पढ़िए, अच्छे कोर्स को आप चयन कीजिए, अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़िए और खूब अपना नाम, समाज का नाम बेहतरीन बनाए। इसके लिए बहुत 2019 का साल आपके लिए एक नई उम्मीद, नई एनर्जी को ला रहा है। अंतिम हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। जो भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि निचले भागों के अंदर ही सारे अशुभ ग्रह है, जिसके चोट लगना, गिर जाना, पेट की प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी बीमारियां लगातार पूरे साल रहेगी। तो मेडिकल चेकअप खास करना है, शरीर का ध्यान रखना है, खान पान में योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, चलने का थोड़ा सा मुहावरा रखिए, थोड़ा थोड़ा हफ्ते में एक दिन भी खुली शेयर खुली जगह के अंदर आप चलते हो, जिससे भी आपको बहुत सारा अच्छा हेल्थ भी मिल सकती है। तो खास करके कर्क राशि वाले जितने भी जातक है और ये, उनको तबीयत का बहुत 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 ध्यान रखना है। ग्रहों की जो परिस्थिति है, आपके घर में पालतू जानवर कोई भी है उनसे आपको नुकसान हो सकता है, पशुओं से खास थोड़ी सी दूरी बना करके आपको रखना है, और साथ में देखा जाए वाहन से भी, गाड़ी भी थोड़ी सी स्पीड में कम चलाना है, क्योंकि ये पूरी जो ग्रहों का गोचर है उनके हिसाब से वाहन से और पशुओं से तकलीफ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातों को समझते समझते कुछ मैं आपको सावधानी बता रहा हूँ, कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को प्रेम विवाह से ये साल बचना है, किसी के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, कहीं पर भी भरोसा है तो सोच करके संभल करके उसमें आगे बढ़ना है। विवाह योग्य भी है, यदि आपकी शादी भी करना आप चाहते हो तो ये साल शादी करने के लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। यदि शादी आपकी फिक्स हो गई है, अच्छे पंडित जी के पास दोनों कुंडली का मिलान करा के मुहूर्त निकाल करके आप शादी कर सकते हो, यदि पर टाल सकते हो तो ये साल कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं थोड़े से समय के लिए रुकना बेहद ज़रूरी है। और दूसरे नंबर की बात, भागीदारी से बहुत नुकसान हो सकता है, भागीदारी कहीं पर पैसे का जो लेन देन है उसमें थोड़ा सा संभल करके 2019 में थोड़ा सा फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये भागीदारी वाला एक जो सेक्टर है उसमें थोड़ा सा वीक दिख रहे हो, तो उसमें भी सोच समझ करके आगे बढ़े। मई महीना, नवंबर महीना और दिसंबर महीने में कुछ अनहोनी घटना होने के ग्रहों के संकेत दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को जानते जानते खास करके सोमवार के दिन आप मंदिर का दर्शन, भक्ति, पूजा, सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद रुमाल साथ में रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें करते हुए आपका आरोग्य, आयुष्य, धन संपदा, हर मनोकामना प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी अनंत शक्ति पूर्ण करें। और भी आप कुछ बेहतरीन जानना चाहते हो जरूर आप हमारे संस्थान का संपर्क करें।